नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुमार कुशवाहा, जो सह संयोजक हैं हिस्सेदारी मोर्चा के। आज हम उनकी जर्नी पर बात करने वाले हैं कि आज तक का इनका सफर कैसा रहा। सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा अपने शख्सियत प्रोग्राम में शख्सियत की जर्नी पर बात करते हैं, तो हम सबसे पहले आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आपका फैमिली बैकग्राउंड था, किस तरीके का परिवेश में आप पले बड़े हैं और आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। जहाँ तक हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड की बात है, तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से और रूरल बैकग्राउंड से, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। प्रयागराज में एक गाँव है 35-40 किलोमीटर दूर, मोहम्मदपुर सरायली। मेरा बचपन वहाँ पर बीता और पास के ही 3-4 किलोमीटर के दूर पर एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, 6ठी तक वहाँ मेरी पढ़ाई हुई जी। उसके बाद मैं प्रयागराज में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में GIC जी, उसमें फिर आगे की शिक्षा के लिए मैं गया जी। इंटरमीडिएट करने के बाद हम लोगों ने, उस समय एक दौर था इंजीनियरिंग और मेडिकल का काफ़ी क्रेज था जी, तो हाई स्कूल इंटर के दौरान ही करियर बनाने की बात होने लगती है जी। तो छात्रों के बीच में भी और परिवार में और दोस्तों के बीच में ये बात होती थी कि हम भी इंजीनियरिंग में जाएंगे जी। और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय बहुत कॉलेज नहीं हुआ करते थे जी। साउथ इंडिया में प्राइवेट कॉलेज भी खुले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करते थे जी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी होती थी PMT और इंजीनियरिंग कॉलेजेस REC के लिए, तो हम लोगों ने भी तैयारी वगैरह की 1.5 साल जी। जनरली होता क्या है कि तमाम बच्चे जो कॉन्वेंट एजुकेटेड होते हैं, अच्छी फैमिली से होते हैं जी, तो उन लोगों की तैयारी तो 6ठी क्लास से ही चलती रहती है जी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की, किसान मजदूरों के परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनको इंटरमीडिएट के बाद कैरियर में क्या करना है ये पता चलता है, तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है जी। कुछ बच्चों को 1.5 साल लगता है, कुछ को और साल लग जाते हैं। हम लोगों को 1.5 साल तैयारी वगैरह की हम लोगों ने जी। फिर प्रयागराज में ही NIT इलाहाबाद है, पहले वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था जी, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज था वो, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ जी, तो उसमें हम लोगों का दाखिला हुआ। अच्छा, आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में आपने किस तरीके से, मतलब कौन सा जॉब प्रोफाइल आपने, आपका पहला जॉब प्रोफाइल क्या रहा? जॉब प्रोफाइल एक्चुअली मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, तो स्वाभाविक तौर पर हम लोगों को इंजीनियरिंग में जॉब जाना था, लेकिन कॉलेज के दौरान से जी, पढ़ाई के दौरान से हम लोगों ने कॉलेज में ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्र से तमाम बच्चे आते हैं, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जी, समाज में एक बहुत असमानता है, वो गांव में भी हम लोग देखते थे, और बचपन से ही कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी समाज और देश के बदलाव के लिए जी। कॉलेज में भी हम लोगों ने देखा कि भले ही हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए हैं, मेडिकल कॉलेज में भी हम लोग जाते थे जहाँ MBBS की पढ़ाई होती थी दोस्तों के साथ, तो एक असमानता वहाँ भी दिखी जी, कि समाज में और छात्रों में भी आर्थिक को लेके, सामाजिक लेके तमाम असमानताएं हैं जी। तो उसको दूर करने के लिए वहीं से विचार पैदा हुआ, और कॉलेज के दौरान ही हम लोगों ने एक संगठन बनाया जी। कॉलेज में यद्यपि कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, तमाम तरीके की इवेंट्स होती थी जी, लेकिन उसमें सभी स्टूडेंट्स फिट नहीं हुआ करते थे जी, क्योंकि हर क्षेत्र में कॉम्पिटिशन है जी। डार्विन का एक सिद्धांत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जी। इस कंपटीशन की दुनिया में जिसके अंदर क्षमता होगी, ताकत होगी, समृद्ध होगा, संपन्न होगा, बुद्धिमान होगा, वो आगे बढ़ेगा जी। और इस दौड़ में बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं जी। तो हम लोगों का विचार, खासतौर से मेरा विचार ये था कि बाकी के लिए क्या, सब कुछ करिए कि किसी बिल्डिंग में आग लग जाए जी, तो जो सक्षम है, जो दौड़ सकता है, वो तो तेजी से भाग जाएगा, कूद जाएगा, लेकिन अगर वहाँ कुछ दिव्यांग है, 2-4 लोग, 1 लोग जी, तो सब लोग तो भाग जाएंगे, उनकी मदद कौन करेगा जी। अगर हम ये कह के कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जी, डार्विन का सिद्धांत है, उसके मुताबिक तो उसे मरना होगा जी, क्योंकि तो भाग नहीं सकता, जो तेज है तब वो दौड़ के निकल जाएगा जी। इसी तरीके से कंपटीशन है समाज में जी, जिसके पास पैसा होगा वो खाना खाएगा, जिसके पास भूखा होगा वो मरेगा। हम ये कह सकते हैं कि डार्विन सिद्धांत कहता है तो इसलिए ये मरेगा जी। तो हम लोगों को ये लगा कि इनके लिए भी हम लोगों को कुछ करने की जरूरत है, और कॉलेज में भी बहुत सारी इवेंट होती थी, उसमें भी वही बच्चे जो बचपन से अच्छे स्कूलों में पढ़ के आए, अच्छे घरों से हैं, वो बाजी मार ले जाते, बाकी बच्चे बैठ के, उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो उन लोगों के विकास के लिए, खासतौर से ग्रूमिंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हम लोगों ने इस डार्विन के सिद्धांत के उल्टे कि सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट कैसे होगा, इस पे गौर किया जाए, और इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने ये सोची कि उनकी है जो फिटेस्ट है, यानी किसी भी चीज में जो आगे है, चाहे वो धन में, बुद्धि में, क्षमता में, वो अगर अपने इन भाइयों का जो उन्हीं चीजों में पीछे हैं, अगर थोड़ा बहुत सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें
तो हम एक समाज में जो असमानता है उस गैप को भर सकते हैं। जी। इस विचार को जन्म लेने के बाद हमने कॉलेज में ही संगठन बनाया और धीरे धीरे उस संगठन को दूसरे कॉलेजेस में विस्तारित किया और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इस तरीके की एक्टिविटी इन्वॉल्व करके उनको हम लोग डेवलप करने का काम करने लगे। जी, ये करते थे। तो बाकी ये है कि आपने एकदम से इंजीनियरिंग से छोड़ के इस तरीके से संगठन बनाने का एकदम से विचार आया, इस तरीके से विचार आपने क्यों, आपने इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही अपना आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया और आप इस तरीके से राजनीति में एक तरीके से आ चुके हैं, राजनीति में आने का क्या ऐसा क्या रहा, क्यों आपने राजनीति चुनी? हम लोगों ने इंजीनियरिंग छोड़ी नहीं। जी। हम लोगों ने पूरी पढ़ाई की। जी। साथ में हम लोगों ने ये देखा कि अगर ये एनर्जी है इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, मेडिकल कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में, हजारों की संख्या में युवा ऊर्जा से भरपूर युवा आते हैं, अगर उनकी छुट्टियों में उनके जो एनर्जी है उसको हम आसपास के गाँव में इस्तेमाल करें जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका भी विकास होगा और आसपास के क्षेत्र में एक मोटिवेशन किसानों के बच्चों के बीच में, मजदूरों के बच्चों के बीच में लाया जाए। तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग छोड़ी नहीं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हम लोग इसको करते रहे। हाँ, तब तक इस क्षेत्र में हम लोगों का इतना रुझान हो गया कि पढ़ाई के बाद हमने जॉब करने का निर्णय नहीं लिया। हमें लगा कि मैं अपने लिए तो जॉब करके आगे मैं फिर IITs में जा सकता था फर्दर मास्टर डिग्री के लिए, या सिविल सर्विसेज में करके मैं ISPCS में जा सकता था, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में जाके फिर फॉरेन तक जा सकता था, जैसा कि हमारे उस दौर के हमारे साथ के पढ़ने वाले छात्र आज विभिन्न पदों पर, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई किसी बड़े संस्थान में मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े इंजीनियर्स हैं। ये मैं कर सकता था, ये उस समय भी हम लोगों को पता चला, विचार था कि अपने लिए हम लोग बहुत कर लेंगे, लेकिन इस देश की आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है और सैकड़ों साल आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश को आगे बढ़ाया जाए, अपने उन साथियों का जो किसी कारण से पिछड़ रहे हैं उनका भी ध्यान देना है। तो इसलिए हमने सामाजिक क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया और उस संगठन को काफी समय तक हम लोग लगभग एक दशक तक मिनसर इंसर गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास शोध संस्थान के नाम से हमने संगठन बनाया और फिर छात्रों की मदद से फिर हम गाँव में भी गए, गाँव में किसानों की छोटी छोटी मीटिंग्स लेना, महिलाओं की मीटिंग्स लेना, उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना, अवेयर करना, ये काम हम लोगों ने एक लंबे समय तक किया। फिर हम लोगों को लगा कि ये तो अवेयरनेस से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग तो पॉलिटिक्स और सरकार और विधायक और सांसद में बनती है, विधानसभा में। इसके लिए हम लोगों को कुछ पॉलिटिकल में जाना पड़ेगा। तो फिर 2012 में हम लोगों ने प्रगतिशील समाज पार्टी का हमारे साथियों की मदद से हम लोगों ने गठन किया और समाज और देश में बदलाव के लिए, ये देखा गया कि विधायक तो है, मान लीजिए हम लोगों ने पार्टी बनाई तो हम लोग भी राजनीति में जाएंगे, विधानसभा में, संसद में, तो विधायक और सांसद तो ऑलरेडी है, मंत्री भी बन रहे हैं, गाँव में प्रधान भी बनते हैं, लेकिन प्रधान बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन समाज नहीं बदल रहा है, देश की हालत नहीं बदल रही है। बचपन में जो सा हम लोगों ने हमारे गांव को देखा, 10-15 साल बाद हम लोग गांव गए तो गांव ऐसा ही है, कोई विकास नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और किसी गाँव में अगर 500 घर हैं, 1000 घर हैं, 10-20 लोग, 50 लोग आगे बढ़ जाए तो हम लोग इसको विकास नहीं मानते। हम लोगों का विचार था कि जब तक सभी लोग आगे ना बढ़े, सभी के घर में खाना ना हो, सभी के पास सुविधाएं ना हो, कुछ एक लोगों के आगे बढ़ जाने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस विचार के साथ हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को अपने पॉलिटिकल पार्टी का गठन करके समाज में एक राजनीतिक चेतना लानी चाहिए, इस वजह से हम लोग राजनीति में गए। बाकी ये है कि जब आपने अपनी पार्टी का गठन किया, प्रगतिशील समाज पार्टी का जब भी आपने गठन किया है, और उसमें आप किस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया है, मतलब कौन कौन से ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपने उठाए हैं जिसपे आपने काम किया हो और जिसपे आपके काम करने के बाद कोई एक अच्छा निष्कर्ष निकला हो, कौन से बदलाव प्रगतिशील समाज पार्टी से बदलाव आए हैं? प्रगतिशील समाज पार्टी और उसके पहले जो हम लोगों ने संगठन बनाया था, तो संगठन के माध्यम से हम लोग गाँव में क्या करते थे, जागरूक युवा मंच का गठन करते थे। सबसे पहले जागरूक युवा मंच का गठन किया हम लोगों ने सामाजिक संगठन के माध्यम से। जागरूक युवा मंच क्या होता है, 5-7 युवाओं की हम लोग गाँव में कमेटी बना देते थे। तो हम लोग देखते हैं कि विकास क्यों नहीं हुआ देश का, समाज का। सरकारें तो योजनाएं बनाती हैं, कई बार सरकार की पॉलिसी में कमी होती है, कई बार वो योजना धरातल तक नहीं पहुंचती, उसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व रहता है, जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि हमारा समाज सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित, अपने लिए काम करता है ज्यादातर लोग। कुछ लोग समाज सेवा और देश के लिए भी काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। ज्यादातर लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, आत्म केंद्रित हैं। तो आत्म केंद्रित लोगों की सोच होती है, उन्हें नौकरी मिल गई, ठीक है, सब कुछ ठीक है, उनका काम बन गया, ठीक है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तो प्राइमरी, उस समय प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ करती थी और तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट हुआ करती थी। हम लोगों ने गाँव में जागरूक युवा मंच का गठन किया, सैकड़ों गाँव में हम लोगों ने गठन किया और उसको फिर विस्तारित किया।
इस मंच का काम होता था योजनाओं पर नजर रखे जी। प्राइमरी स्कूल में अगर शिक्षक समय से नहीं आ रहे हैं तो उनको बस एक कोई पूछने वाला हो तब वो समय से आने लगे। अभी कोई पूछने वाला नहीं, जो सक्षम लोग हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जो मजबूत नहीं है, कमजोर है, गरीब है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पूछे वहाँ पे। तो ये जागरूक युवा मंच इंटर पास ग्रेजुएट स्नातक लड़के लड़कियों का एक समूह होता था 5-7 सदस्यों का। ये प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पर नजर रखते थे, गांव के प्रधान पर नजर रखते थे, अगर वो कोई अनियमितता करते थे तो ये एक वॉचडॉग का काम करते थे। तो एक तो ये नीति हम लोगों ने बनाई थी संगठन के माध्यम से। इसी चीज को हम लोगों ने जब पार्टी बनाई तो इसको और विस्तारित कर दिया, और जब भी कोई भ्रष्टाचार हो, जब भी कोई अन्याय हो किसी के साथ, तो पार्टी के माध्यम से हम लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते रहे, जिला प्रशासन के माध्यम से सरकारों को चेतावनी देते रहे कि आप इन जगहों पे ये गलतियां हो रही हैं, इसको सुधारा जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। इस तरह की कुछ गतिविधियां करते रहे। और एक सुधार जो हम लोगों का आंदोलन के हम लोगों के स्वरूप हुआ वो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर और 3 मांगों को लेकर हम लोग बहुत सजग थे। हम लोगों ने देखा कि जो रेलवे का खासतौर से सिस्टम था, रेलवे में कई सिस्टम होते हैं रिजर्वेशन के, कुछ लोग एसी में जाते हैं, कुछ लोग स्लीपर्स में जाते हैं, लेकिन देश की एक भारी संख्या में जो जनसंख्या है, गरीब है, कमजोर है, वो जनरल डिब्बों में सफर करती थी जी। तो हम लोगों ने देखा कि उस जनरल डिब्बे में भेड़ बकरियों की तरह भीड़ हुआ करती है, और रेलवे के अन्य डिब्बों में तो भाई ठीक है, वो पैसे देकर रिजर्वेशन करते हैं, मात्र 2 डिब्बे हुआ करते थे जी। तो हम लोगों ने एक मांग उठाई कि जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, और एक प्रतियोगी परीक्षाओं को हम लोगों ने ये देखा कि सरकारों ने इनको धन उगाही की मशीन बना लिया है जी। कंपटीशन स्टूडेंट पढ़ने के बाद आज हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी पॉलिसी के तहत खराब है, हमारा ये मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और हम लोगों के संगठन का भी, कि प्रतियोगी परीक्षाओं को सरकारों ने, किसी एक सरकार की बात नहीं है, पॉलिसी में ही कमी मैं उसको मानता हूँ, कि जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएट करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, उनको एक कंपटीशन के दौर में धकेला जाता है, उसके पीछे नौकरियां क्योंकि है नहीं, सीमित संख्या में रोजगार है, तो उनको कंपटीशन के माध्यम से छंटनी करने के लिए एक भारी प्रक्रिया से कई तरह के परीक्षाओं से गुजारा जाता है जी। और उसमें भारी भारी संख्या में फीस भी वसूली जाती है, तो इसमें फिर एक बार गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के बच्चे पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, किसी तरीके से वो फॉर्म भर देते हैं। ये हम लोगों ने आज किया कि फॉर्म तो भर दिया उन्होंने, फिर उस समय अभी भी कुछ ढंग से चलता है कि सेंटर जो है इस जिले के विद्यार्थी का उस जिले के विद्यार्थी का उस जिले, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर करके सेंटर्स भेज दिए जाते हैं। इसमें भी एक समृद्ध तबका, एक जागरूक तबका बाजी मार ले जाता है। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों के पास तो पैसा ही नहीं होता, किसी तरीके से उन्होंने फॉर्म भर दिया, फिर धक्के खा के ट्रेन और बस का सफर करके किसी स्टेशन पे सो के अगले दिनों परीक्षा देते हैं, उसमें भी पैसे की जरूरत होती है, और वो थके हारे उस परीक्षा में सिर्फ भाग लेते हैं और उनका पेपर सही नहीं हो पाएगा, कितनी भी तैयारी हो, चूंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से 2-3 दिन में थक जाते हैं। और एक दूसरा तबका जिसको हम आप कह सकते हैं जागरूक है, या वो समृद्ध है, या उसके पास व्यवस्थाएं हैं, उसको किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे काफी पैसा खर्च कर सकता है, और 5 तो वो फिर से बाजी मार ले जाते हैं जी। तो इसमें हम लोगों ने मांग उठाई कि सरकार एक तो अपना खजाना भरती है विद्यार्थियों के माध्यम से, वो फॉर्म निकालती है, उनको कंपटीशन प्रक्रिया से गुजारती है। तो हम लोगों ने कहा कि कॉमन कॉम्पिटिटिव फीस सिस्टम लागू करो, कहने का मतलब एक नॉर्मल फीस वसूल लो, ढेर सारी संख्या में फॉर्म भरते हैं विद्यार्थी, हर फॉर्म के लिए उनसे 1,000 रुपये, 500 रुपये एक तो वसूले जाते हैं। ये किसी एक सरकार की नीति नहीं है, ये किसी एक राज्य की नीति नहीं है, ये पर्टिकुलरली पॉलिसी के तहत ये चल रहा है, इस नीति में बदलाव लाने की जरूरत है, और ये हम लोग आगे करेंगे फिलहाल, जब हम लोगों को मौका मिलेगा या सरकारें जो भी इस बात को मानेंगी उनके माध्यम से हम लोग इस काम को करेंगे। तो इसमें हम लोग बदलाव लाना चाहते थे, इसके लिए हमने आंदोलन किया। हम लोगों ने एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं का खर्च सरकार उठाए, नंबर 1, और ये रेलवे बोगीज में डिब्बों को बढ़ाने की संख्या, और इसके साथ और भी उसके साथ कई मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने 2014 में खासतौर से मैंने 18 दिन की हंगर स्ट्राइक करी, 18 दिन की भूख हड़ताल हमने की, और इस पे जो है शासन का ध्यान गया, और वर्तमान में डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो उस समय सांसद हुआ करते थे हमारे फूलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जहाँ पे ये प्रयागराज में हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो ये आंदोलन काफी चर्चित हुआ, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम लोग इन मांगों पर कंसिडरेशन लाएंगे जी। और आने वाले दिनों में हमने देखा कि रेलवे के जनरल बोगीज में डिब्बों की संख्या बढ़ाई गई जी। और इसके अलावा पूरी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं के खर्च को सरकार द्वारा उठाने की बात अभी भी नहीं मानी गई है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रयास वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है कि 3 परीक्षाओं के लिए उन्होंने यात्रा भत्ता में छात्रों को छूट देने का
काम किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं का ओवरऑल खर्चा सरकार के माध्यम से उठाएंगे। इससे आर्थिक राजस्व में जरूर कमी आएगी कि सरकार का खजाना इससे काफी भरता है, सरकार को बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन हम लोगों की सोच है कि छात्र तो ऑलरेडी बेरोजगार है और इसको हम लोगों ने इस तरीके से सरकारें जो है बेरोजगारों में अपना रोजगार ढूंढ रही है, तो इस व्यवस्था को हम लोगों को बंद करेंगे और छात्रों के द्वारा जो आय हो रही है इसको हम लोग किसी और नीति के तहत उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हम लोगों को सफलता मिली। बाकी जैसा है प्रगतिशील समाज पार्टी एक छोटी पार्टी है जो अब बीजेपी से गठबंधन हो गया है आपका, तो उसमें ये है कि अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी से जो गठबंधन हुआ है, जिन मुद्दों को लेके आपने इस पार्टी का अपनी पार्टी का गठन किया था, आपको लगता है कि बीजेपी से गठबंधन होने के बाद आपको एक सफलता हासिल होगी? आप जिन मुद्दों को लेके आए थे वो मुद्दों पर सरकार काम करेगी? प्रगतिशील समाज पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जब पार्टी कोई बनती है तो वो इनिशियल स्टेज पर वो छोटी ही होती है। आज जो पार्टियां बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, सरकार बनाई हुई है, कभी वह भी छोटी हुआ करती थी। तो इसलिए मैं इसको छोटी पार्टी या किसी भी इस तरीके के दल को जिसने नया शुरुआत किया हो उसको छोटा नहीं मानते हैं। समय के साथ ये उस रूप में काम करने लगेंगे। आज प्रगतिशील समाज पार्टी हिंदी भाषी 18 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं लगभग जी। उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, अभी पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, बिहार में हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ में, तमाम राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। और छोटा और बड़ा हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में कोई भी पार्टी धीरे धीरे अपने संगठनात्मक ढांचे का विकास करती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2014 में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव को सीटों पर लड़ा, 2019 में भी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा, 2018 में हम लोगों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कुछ सीटों पर भागीदारी की। एक बड़ा विस्तार हम लोग इसको दे रहे हैं और हम लोगों की योजना है कि हम लोग जो है किसी भी पार्टी से गठबंधन की बात यह है कि अभी हम लोग अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में कहीं नहीं है और हम लोगों का एक छोटा दायरा है, तो ऐसे में हमें गठबंधन तो करना होगा। और जब हम लोग गठबंधन के माध्यम से, किसके साथ गठबंधन करना ये एक अलग विषय था, पहले तो ये था कि हम लोगों को गठबंधन करके, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस तभी हम ला पाएंगे जब सड़क पर तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब हमारी आवाज सदन में भी उठेगी, चाहे वो विधानसभा हो लोकसभा में हो, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सदन में भी जाना होगा। काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमारी पार्टी करती है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, लेकिन सदन में पहुंचने लायक यानी विधानसभा और लोकसभा सीट को जीतने लायक प्रदर्शन नहीं हो पाता रहा। अब हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है। भाजपा के साथ इसलिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो दूरगामी प्रभाव लेके आएंगी। देखिए क्या हुआ कि आज लगभग 70-75 वर्ष हो गए हम लोगों की आज़ादी के मिले हुए, और लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जी। देश में और कई राज्यों में रही, और स्टेट लेवल पर, स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों का भी दखल रहा, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भी पीछे बसपा और सपा की सरकारें रही, तो लगभग सभी को मौका दिया गया। जनता ने इस देश के सभी को मौका दिया और उस समय भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उभार ले रही थी अपना, और निश्चित तौर पर उसकी नीतियां अगर ठीक नहीं होती तो जनता उसको इतना प्यार और समर्थन कैसे देती। धीरे धीरे आज केंद्र में और तमाम राज्यों में इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी जो नीतियां हैं वो दूरगामी प्रभाव लेके हैं, और देश में पीछे की सरकारों ने जो कार्य किए और कामयाबी उतनी नहीं दे पाई जनता के लिए, उसके पीछे तमाम कारण थे। तो उन कारणों को ये दूर करके दूरगामी प्रभाव लेकर तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, जिस समय हम लोग मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और आज 20 सालों के बाद हम लोग इन कॉलेजेस को देखते, तो पीछे 5-7 सालों में जबरदस्त विकास हुआ है। NITs का तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज खुली हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली है, क्योंकि शिक्षा से ही देश का विकास संभव है, शिक्षा से ही उन्नति होती है। तो शिक्षा को प्राथमिकता दिया है, भले ही स्थानीय स्तर पर या किसी खास क्षेत्रों में शिक्षा उतनी सुधर नहीं रही हो, लेकिन दूरगामी रूप में आने वाले दिनों में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा सुधरेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्होंने काम किया। तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हम लोगों का गठबंधन होता है तो हम लोग अपनी नीतियों को आगे लागू करने में सफल भी होंगे, और ये सेंट्रल लेवल पे भी काम कर रही है, क्योंकि हमारी पार्टी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में है, तो हम लोग एक क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करने की जगह अन्य राज्यों में भी ये पार्टी काम कर रही है, तो वहां भी हम लोग इनके साथ जा सकेंगे और बड़े व्यापक स्तर पर अपनी नीतियां लागू करने